हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी हम सब दोस्तों गांव में हैं। चलिए, सुबह हो गई है, लगभग 7 बज चुकी है। सर करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं दोस्तों। मेरी तो एग्ज़ाम है, भागलपुर तो जाना ज़रूरी है, तब भागलपुर चलते हैं दोस्तों। भागलपुर गो। फाइनली दोस्तों हम सब स्टेशन आ चुके हैं और अब ट्रेन आ रही है। ट्रेन आने में बस 10 मिनट, 10 टाइम का 10 मिनट है, उसके बाद ट्रेन भी आ जाएगी। इंटरसिटी है दोस्तों, मात्र तीन स्टेशन रुकेगी, उसके बाद हम भागलपुर उतर जाएंगे। चलिए हम सब दोस्तों यही स्टेशन उतरते हैं, पीरपैती। यह है पीरपैती। इधर दोस्तों भागलपुर चल जाएंगे और इधर चल जाएंगे मालदा डिस्ट्रिक्ट के तरफ, कोलकाता। और इधर से बहुत रूट है, जा सकते हैं हम सब दोस्तों। फिर पैती स्टेशन से निकल चुके हैं, पूरी तरह ट्रेन तो खाली है, कहीं भी ट्रेन तो यहीं से घूमती है, मतलब साहेबगंज से घूमती है, दो स्टॉपेज पीछे है फिर पैती से। देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह जितना भेकंप मार दिया था। तो दोस्तों अभी एक लड़का आके बंद करके गया, यहीं पे भेकंप लगा दिया था। चलिए ट्रेन खुल चुकी है, चलते हैं। फाइनली हम सब दोस्तों उतर चुके हैं भागलपुर में। ये है दोस्तों हमारी शान, देश की जान और हमारी शान। हम सब स्टेशन आ चुके हैं दोस्तों, चलिए चलते हैं। हाँ, आई लव भागलपुर जंक्शन। होली के वजह से दोस्तों ना भीड़ है और ना दुकान पूरी तरह अच्छे से खुली है, सब दुकान बंद पड़ी है। आज और कल होली है, 19 तारीख को भी बहुत बहुत जगह होली है। चलिए कल लगभग सारी दुकान खुल जाएगी, सब दुकान बंद पड़ी है। इधर तो पूरी बंद पड़ी है, पूरी रोड सुना सुना लग रही है। फाइनली दोस्तों हम सब रूम पर आ चुके हैं, हम राइट टाइम पहुंचा दी दोस्तों। और चलिए दोस्तों नीचे रूम भी आ गए हैं, फ्रेश हो जाते हैं, नहा सुना कर फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद जाम एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। तो हेलो दोस्तों, हम सब नहा लिए हैं और रेडी हो चुके हैं। चलिए अब भूख जो है ना दोस्त बहुत ज़ोर से लग गई है, बर्दाश्त अब नहीं हो रही है, तो चलिए खाना बनाते हैं। और मेरे पास सब्जी में है क्या दोस्तों, देखते हैं। कल ही लिए हैं दोस्तों घर से, तो कल ही गए थे और आज आ गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे पास सब्जी दोस्तों में बंधा गोभी है और कद्दू है, ये टमाटर भी है। चलिए दोनों में कौन सा बनाएंगे डिसाइड कर लेते हैं। हाँ चलिए ये बनाते हैं, कद्दू बनाते हैं दोस्तों। चलिए इसको बनाते हैं, कद्दू को, टमाटर भी है, कद्दू को हम लोगों दोस्तों ने काट लिया है। और इसको बनाते हैं दोस्तों, कुकर में दोस्त चना लेंगे, को धो लेंगे दोस्तों। इसमें हम सब दोस्तों डाल देंगे ये, ओह माय गॉड, डाल दिए दोस्त हल्दी उल्दी सब देके। मसाला तैयारी हो चुकी है दोस्तों, इसमें दे देंगे तेजपात दोस्तों, लहसुन भी दे देंगे, सूखा मिर्च दे देंगे दोस्तों, लेते हैं। तब तक हम टमाटर काट लेते हैं, प्याज दे देंगे दोस्तों, प्याज दे देंगे। इसमें थोड़ा सा हम सब दोस्तों नमक दे देंगे, थोड़ा सा उसमें दिए थे, लहसुन का पेस्ट दे देंगे, लहसुन का पेस्ट बनाए हैं वो दे दिए हैं, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ा सा दे दिए हैं दोस्तों, और थोड़ा सा सब्जी मसाला दे देते हैं। बस 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 इसको मिला देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा देगा दोस्तों। अब इसमें हम सब थोड़ा सा दोस्तों पानी दे देंगे। इसमें दोस्तों हम सब मसाला फ्राई हो चुकी है, मसाला नहीं ज़्यादा मसाला नहीं, प्याज है दोस्तों। और इसमें हम दे देंगे आलू दे देंगे, इसमें हम सब जो उबाले थे इसको डाल देंगे, चना और कद्दू इसमें बहुत लगा है। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मेरी सब्जी बन चुकी है, रोटी वोटी भी दोस्तों सब कुछ बन चुकी है। अब खाना वाना खा कर बात करते हैं और अच्छे से बात करते हैं, खाना में टेस्ट कैसा टेस्ट लगा वो आपको बताते हैं। खाना तो दोस्तों टेस्ट
तो बहुत लाजवाब लगे, क्योंकि कद्दू जो होता है ना, ठंडा चीज़ होता है, बहुत लाजवाब। ऐसे भी दाल देने के बाद लाजवाब बन गई और बहुत मस्त लगी, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा खाने में, खा भी लिए। चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल के ब्लॉग में मिलते हैं। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक बाय।